हेलो पाइसेस, वेलकम टू गुरु माइंडी टैरो। और ये रीडिंग है मई के थर्ड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द थर्ड वीक ऑफ मई। मैसेजेस फॉर पाइसेस, द एम्परर, Eight of Swords, the Empress, Three of Pentacles, and the Hermit. तो हमारे पास द एम्परर है। द एम्परर ऐसा लग रहा है कि बहुत डोमिनेटिंग हो गया है। आपको ऐसा लग सकता है कि आपका पर्सन हर चीज को अपने हिसाब से चाहता है, या फिर आपकी बात सुनने को तैयार नहीं। एम्परर को ऐसा लगता है कि आप उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे, या आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को छोड़ देंगे, कॉम्प्रोमाइज करेंगे। इस तरह की एक्सपेक्टेशन हो सकती है कुछ इस पर्सन की। आप किसी एरीज से डील कर रहे हो सकते हैं, क्योंकि द एम्परर का कार्ड है यहाँ पे। हालांकि साइन कोई भी हो सकता है। और यहाँ पे है द एम्प्रेस। इस पर्सन को इस बात का अंदाजा नहीं है कि आप द एम्प्रेस हैं, आप बिल्कुल उनके बराबर हैं। एंड आप उन लोगों में से नहीं हैं जो एक ऐसे रिलेशनशिप में रहेगा जो कि उनके सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए सही नहीं है। ओके, इस पर्सन को ये पर्सन ये समझ नहीं पा रहा कि आप अपने हिसाब से ही चलेंगे। द एम्प्रेस को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इस पर्सन के लिए आप परफेक्ट है, ये बात इन्हें अच्छी तरीके से पता है कि एम्परर के लिए एम्प्रेस परफेक्ट है, वो अपने आप में कंप्लीट है। और ये पर्सन बिल्कुल भी आपसे अपना फोकस नहीं हटा पा रहा है। हालांकि हटाने की बहुत सारी वजह है, एट ऑफ सोर्ड्स के साथ आपके पीठ पीछे बहुत सारी बातें हो सकती हैं। हो सकता है कि इनके फैमिली मेंबर्स इन्हें ये समझाने की कोशिश कर रहे हो कि आपके जैसे लोग रिलेशनशिप में नहीं रह सकते, आप बहुत ज्यादा एरोगेंट हैं, बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड हैं। यू नो, कुछ लोग उन्हें ये भी कह रहे हो सकते हैं कि आखिर आप कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते उनके हिसाब से, तो ये रिलेशनशिप चलेगा कैसे। या फिर क्या वाकई में द एम्प्रेस एम्परर को प्यार करती है, क्योंकि वो कोई कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। इस तरह की बातें आपके पीठ पीछे हो रही हैं, और इन बातों का कुछ असर भी जरूर है आपके पर्सन पे, क्योंकि वो क्लियरली देख नहीं पा रहे सच को और उनके हाथ पैर इस वक्त बंधे हुए हैं। यानी कि वो अपने डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। द एम्परर को लग रहा है कि वो अपने डिसीजन ले रहे हैं, पर ये उनके अपने डिसीजन नहीं है, ये दूसरे लोगों के ओपिनियन है जो उन पर असर कर रहे हैं। और उनके अपने डिसीजन कहीं पीछे रह गए हैं, उनकी अपनी फीलिंग्स कहीं दब गई हैं, अपने सपने कहीं इस वक्त हो गए हैं और वो क्लियरली देख नहीं पा रहे हैं। पर फिर भी एक चीज उन्हें अभी भी याद है और अच्छे से पता है कि आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। इस पर्सन को पता है कि आपके सिवा उनके साथ और कोई कंटिन्यू नहीं कर सकता, या कह सकते हैं कि आपके सिवा उनका और कोई पेयर नहीं हो सकता। आप इतने ज्यादा परफेक्ट हैं उनके लिए। और साथ ही इस पर्सन को यह भी पता है कि आपने बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस ऑलरेडी किए हैं, आपने हमेशा उनको अपनी लाइफ में प्रायोरिटी बनाया है, तो वो लगातार ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप ही अपने जीवन में बदलाव लाएंगे। और ये मैग्नीफाइंग लेंस आपके हाथ में जो है, ये इस पर्सन को थोड़ा सा डरा रहा है, क्योंकि
इससे आप सच्चाई को देख पा रहे हैं, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें डाउट कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि आप उन्हें समझ गए हैं डिटेल में, आप उन्हें बिल्कुल करीब से पहचानने लगे हैं, और इसी बात से उन्हें डर लग रहा है कि अगर आप उन्हें इतनी अच्छी तरीके से पहचान लेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि उनसे डील कैसे करना है, और उनके इस तरह के माइंड गेम्स किसी काम नहीं आएंगे। थ्री ऑफ पेंटिकल्स के साथ कोई सीरियस डिस्कशन जरूर चल रहा है बैकग्राउंड में, आई मीन भले ही एट ऑफ स्वॉर्ड्स है तो क्या हुआ, ये पर्सन फिर भी आपके साथ फ्यूचर बिताने के बारे में सोच रहा है। वो लोग जो इनको एडवाइसेस दे रहे हैं कि आपके साथ लाइफ बहुत टफ हो जाएगी और कुछ भी आसान नहीं रहेगा, उन लोगों को द एम्परर से जवाब जरूर मिल रहा है। ओके, द एम्परर उन्हें ये जरूर बता रहे हैं कि आपके अंदर क्या परफेक्शंस है या क्या अच्छाइयां हैं, हालांकि आपके चेहरे पे ऐसे हैं जैसे कि उन्हें आपसे बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं। द हर्मिट के साथ पाइसिस, ये वक्त है शांत रहने का। ओके, आप कुछ भी इस वक्त बदल नहीं सकते, सबसे अच्छा है कि आप खुद पे फोकस करें और अपने ऊपर वर्क करें। ये लैंप आपके हाथ में है ही, तो आप अंधेरे में गुम नहीं होने वाले, यहां से भी आप बाहर जरूर निकलेंगे। बस सही रास्ते पे चलते जाइए, जो आपको सही लगता है, आपका इंट्यूशन जिस डायरेक्शन में आपको गाइड कर रहा है, बस वहां चलते जाइए। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स। तो आप क्वीन ऑफ कप्स है, इस पर्सन को पता है जो कुछ भी इन्हें चाहिए वो आप में ही है, और सिर्फ आप ही उन्हें वो चीजें दे सकते हैं। और सिक्स ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन कहीं पास्ट में खोया हुआ है, ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है। हालांकि ऊपर से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा ये पर्सन काफी रफ एंड टफ है और अपनी लाइफ में खुश है, इनकी कोई कमजोरियां नहीं है, इमोशनली तो इनको कोई अफेक्ट कर ही नहीं सकता, ऐसा ये पर्सन आपको शो कर रहा है। ओके, ये ट्रुथ नहीं है। सिक्स ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ बिताए हुए समय को मिस कर रहा है, उनकी लाइफ आपके बिना पूरी तरह से बेरंग और बोरिंग हो चुकी है। यहां नाइन ऑफ वॉन्ड्स के साथ हालांकि अभी भी कुछ चीजें हैं जिसको लेके बहुत डिफेंसिव हैं। ओके, ये अपने आप को दोष नहीं देना चाहते या अपनी गलतियों को मानना नहीं चाहते, अगर आप इनसे कुछ सवाल पूछेंगे भी तो भी ये अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने ऐसा किया आपकी वजह से या किसी और की वजह से या किसी गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था, यू नो, बस अपने आप को सही ठहराने की कोशिश। नाइन ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है आपका और उनका यूनियन, ये कॉन्टिन्यूसली यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं कि आप मूव ऑन ना करें। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ इस पर्सन को ये डर लग रहा है कि आप ऑलरेडी अपनी जर्नी शुरू कर चुके हैं, मूव ऑन कर रहे हैं धीरे धीरे, और जल्दी ही आप उनके इस यू नो इमोशनल अफेक्ट से बाहर आ जाएंगे, या कह सकते हैं आप जल्दी ही उनके जादू से बाहर आ जाएंगे और फ्री हो जाएंगे। चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। Shekina, sacred self, unleash your spirit, express your gifts, dance to the sacred rhythm of life. तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको जरूरत है अपने स्पिरिट को खुला छोड़ने की,
अपने स्पिरिट को आज़ादी देने की, आपको गाइड करने की, आपको ज़रूरत है अपने गिफ्ट को एक्सप्रेस करने की। आपके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंतज़ार कर रही हैं यू नो बाहर आने की, आपकी क्रिएटिविटी, आपका कंपैशन, आपका लव। एंड जैसे आपको लाइफ ले जा रही है उसके हिसाब से आपको इस वक्त आगे बढ़ना होगा, क्योंकि आपकी लाइफ ही जानती है कि आप कहाँ सही फिट होते हैं और कहाँ आपके लिए खुशियाँ हैं। तो यूनिवर्स को अपने आप को गाइड करने दीजिए। तो ये है रीडिंग मे के थर्ड वीक की, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।